हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल चाट, जिसमें चने, आलू और वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। चटपटी सी चाट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है घर में। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने बॉईल करके रख लिए थे और साथ ही मैंने आलूओं को भी बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले ले लिए थे प्याज और वो मैंने कटिंग करके धो के अच्छी तरह नमक लगा के मैंने इनको धोया था, ताकि इनकी करवाहट ख़त्म हो जाए। अच्छे से धो के मैंने इनको कटिंग करके रख लिया। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी कटिंग करके रख लिया और दो हरी मिर्चें भी कटिंग करके रख ली हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे दही भी ले लिया था और दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे सिंपली पानी में इमली को भिगो के 4 से 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे हम दही को तैयार कर लेंगे और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे शुगर। और शुगर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच। और शुगर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह दही को फेंट लेंगे, यानी कि अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको। और ये हमारा दही रेडी हो चुका है। अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे पहले ही मैंने इमली पानी में भिगो के रख दी थी। अब हम इसमें से इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारी इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड करूँगी। और शुगर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और वो भी मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास अभी नहीं थी घर पे रखी हुई, तो मैंने इसलिए लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये हमारी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। अब हमारी चटनी तो रेडी हो चुकी है, दही भी रेडी हो चुका है और बाकी चीज़ें भी रेडी हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं पापड़ी जो हमने चाट के ऊपर डालनी है। यहाँ मैंने समोसों की पट्टियाँ ले ली हैं और जिनको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता उतार के अलग कर लिया है। अब हम इनको कटिंग कर लेंगे। आप जिस शेप में कटिंग करना चाहते हैं आप उस शेप में कटिंग कर लें। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर लिया था। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी पापड़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी और ये पता नहीं क्यों इतना डार्क कलर लग रहा है, पर ये जली कोई नहीं है। पता नहीं कैमरे में क्यों इतना डार्क कलर आ रहा है इसका, बट खैर पापड़ी हमारी रेडी हो गई। अब हम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल लेने के बाद मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी चने। चने यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, जो मैंने बॉईल करने के बाद कटिंग करके रखे थे। यहाँ पे मैं सारे आलू ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें अंदर टमाटर ऐड करूँगी। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर लेंगे सारे। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे दही। साथ ही हम इमली का पल्प भी ऐड कर देंगे यहाँ पे सारा। और ये देखिए हमारी चटपटी सी चाट रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है इसकी। ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा।
मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ और अपने लिए एक प्लेट तैयार करती हूँ, फिर आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाट डाल ली, अब मैं उसके ऊपर से ऐड करूँगी पापड़ी जो हमने तैयार की थी। और ये देखिए हमारी चाट रेडी हो चुकी है, अब मैं आपको उसको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी बनी है, मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।